भिलाई में नगर निगम की टीम ने मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। टीम ने वहां बनाए गए एक मजार को भी ध्वस्त कर दिया है। साथ ही वहां बनी दुकानें, व्यापारिक भवन और गेट को भी जमींदोज कर दिया गया। निगम के अमले के साथ ही एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित 100 से ज्यादा जवान और कई थानों की फोर्स सुबह 5 बजे से ही कार्रवाई के लिए पहुंची है। ये अतिक्रमण था हमारी नगर निगम की जमीन पे, करीब 7-8 एकड़ में है ये, और इसको नोटिस दिया गया था। तो गैर धार्मिक उपयोग की जो भी अतिक्रमण है उसको हटाने की नोटिस दिया था। फाइनल अंतिम नोटिस 3 दिन का दिया था, उन्होंने नहीं हटाया, तो आज सुबह से हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। कौन कार्यालय के जस्ट बगल से अतिक्रमण हो रहा था, क्या अधिकारी? नहीं, देखिए फॉर्मेलिटी होती है, सक्षम स्तर पे आदेश होने का रहता है, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया रहता है। तो ऐसे स्थिति में ऊपर लेवल पे जब हायर लेवल पे आदेश होते हैं तब जाके कार्रवाई होती है। कार्रवाई के लिए फॉर्मेलिटीज करनी होती है, तो वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, सक्षम स्तर से आदेश हो गया, आज कार्रवाई हो गई। फरमाइशेस में और भी बहुत सारी 20-25 दुकानें वो भी हो रही हैं, वो भी तोड़ रही हैं, जो अतिक्रमण में तोड़ेंगे। बता दें कि कब्जा खाली कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। निगम अफसरों ने कहा कि जो भी गैर धार्मिक कब्जा है सब तोड़ा जाएगा। इससे पहले इन्हें नोटिस दिया गया था लेकिन इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं करबला कमेटी ने इसका विरोध किया है और कब्जे को सही बताया है। गुलाम सैलानी, करबला कमेटी सचिव। क्या हुआ, ये जो निगम कार्रवाई कर रही है, इससे क्या असंतुष्ट हैं आप? कितना असंतुष्ट भाई? असंतुष्ट क्या है, यहाँ तो 57 से मुस्लिम समाज का कब्जा है और कोर्ट ने भी माना। 11:30 के टाइम में जो हमारे ऊपर केस चला 90 में, कोर्ट ने भी माना और कोर्ट ने हमको 11:30 के द्वारा जो है 72 डिसमिल लिख करके आदेश में दिया कि ये समाज के लिए 72 डिसमिल हम ये दे रहे हैं, तो हमने बाउंड्री का आवेदन बनाया है। और ये जो हाल बना रहे हैं, हम शादी ब्याह के लिए बनवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 25 साल से शादी गरीब बच्चियों को करते चले आ रहे हैं, जिसका आपने देखा होगा सामूहिक विवाह का एक रूप है। आप 3.5-4 एकड़ में कब्जा करने पहुँचे तो आपने प्रशासन से लिखित अनुमति नहीं मांगी? 72 डिसमिल से ज़्यादा हो तो आप बता दीजिए। तो निगम अधिकारियों का कहना है कि 3-4 एकड़ है। 3-4 एकड़ जमीन होगी, आप खुद सोच के बता दीजिए। आपके ही समुदाय के व्यक्ति ने इस पे आप केस लड़ा है, उसने ही इसको किया है? कोई केस नहीं लड़ा है। अगर कोई केस लड़ता हुआ दिखे, शिकायत करने वाला होगा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अपने जबान नहीं खराब करूँगा, लेकिन केस कोई नहीं लड़ा है। केस जब भी लड़ा गया है बाकायदा मेरे नाम से लड़ा गया है और कमेटी के नाम से लड़ा गया है। आपका ये मानना है कि कार्रवाई गलत है और आप सही हैं? मैं इस जगह के लिए सही हूँ,
दुकान मैंने बनाया उसका परमिशन और नगर निगम के बगल में बनाया, नगर निगम उस टाइम पे भी हमको रोक सकती थी। गेट क्या स्वागत द्वार गलत है आपकी नज़र में? हमारे इमाम बाड़ा तोड़ दिए, वो 72 डिसमिल में है। भैया देखिए हम क्या बोल रहे हैं आपसे, हम बोल रहे हैं एक दिन का ही मोहलत मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे। ये नहीं बोल रहे कि हमको 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन चाहिए, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना हम लोग। एक दिन का मोहलत ऊपर से त्रिवेदी साहब से बात कर लिया, वो हाँ बोलते तो फिर आप लोग तुमने तो